हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक हमने हेडिंग लिखी है, इट्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कल हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने स्टार्ट किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बोला था दिस थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लेविस कॉन्सेप्ट और वेस्पर थ्योरी। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे बनाती है, ये सारी थ्योरी कैसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स एंड देन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इन्वोक्स टू थ्री कॉन्सेप्ट्स, फोर कॉन्सेप्ट्स, जिनमें हम इस क्लास में दो पढ़ने वाले हैं या एक पढ़ा है। एक है ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, AOs, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप जो है, ये हमने कल देखा, ये कल समझा हमने। व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, सिंपली ऑर्बिटल ओवरलैप। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो ओवरलैप है, दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव ओवरलैप लीड्स टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ओवरलैप नेगेटिव होगा तब ये बॉन्ड नहीं बनेगा। नेगेटिव ओवरलैप एंड पॉजिटिव ओवरलैप को मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। व्हेन क्रस्ट एंड क्रस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव फॉल ऑन ईच अदर, यानी क्रस्ट क्रस्ट पे और ट्रफ ट्रफ पे। सपोज कर लीजिए इस तरह से एक वेव है एक एटम की ऑर्बिटल की, दूसरे एटम का ऑर्बिटल आ गया और इसकी वेव इसी तरह से बिल्कुल इसके ऊपर पड़ गई, यानी इसका क्रस्ट और दोनों का क्रस्ट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो गया, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपरइम्पोज हो गई। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैप, यानी एक का पॉजिटिव एंड दूसरे का भी पॉजिटिव एंड। लेकिन अगर एक का क्रस्ट होगा और दूसरे का इस पर आ जाएगा ट्रफ, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, दिस विल कैंसिल आउट। ये था बॉन्डिंग ओवरलैप। आज हमने लिखा है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो यूजुअली हम जो डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ओवरलैप, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ। एक आसान सा कंसेप्ट जो आपको एक बार पढ़ के इंशाल्लाह हमेशा याद रहने वाला है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ओवरलैप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वन वी कॉल एज सिग्मा बॉन्ड, इसको हम सिग्मा से ही डिनोट करते हैं, और दूसरा बॉन्ड जो है इट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड, इसको हम पाई से ही डिनोट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड को अंडरलाइन कीजिए आप, सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड क्या चीज होती है। सपोज टू एटम्स ए एंड बी, दे हैव टू फॉर्म ए बॉन्ड, इनको एक बॉन्ड बनाना है। ये ए का न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है। द एक्स इज द लाइन दैट ज्वाइन्स द टू न्यूक्लियस, ए और बी का न्यूक्लियस जो ज्वाइन करेगा उसको हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पेन और पेपर एज यूजुअल आप हमेशा साथ रखेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसको कहते हैं। तो व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इट इज सिंपली अ लाइन दैट ज्वाइन्स द टू न्यूक्लियस ऑफ दोज टू एटम्स हु आर टू फॉर्म ए बॉन्ड, जिनको एक बॉन्ड बनाना है। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एज यू नो यस्टरडे हमने पढ़ा है, ए का एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, बी का एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा। इफ दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम अलोंग दिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए और बी का आएगा इसी एक्सिस की डायरेक्शन में, तब जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। सपोज कर लीजिए इस तरह से हम दिखाएंगे, सो दिस इज न्यूक्लियस ए, दिस इज न्यूक्लियस बी, नाउ दे हैव टू फॉर्म ए बॉन्ड, इनको एक बॉन्ड बनाना है। वो क्या करेंगे, सपोज इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, वो इसी एक्सिस की डायरेक्शन में आ गए, किस एक्सिस के, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में। अब जो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है, सो दिस बॉन्ड विल बी लेबल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। नाउ आपकी समझ में क्या आ गया, क्या सिग्मा बॉन्ड है, इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मड व्हेन द एटॉमिक ओवरलैप इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसको हम हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैप। इसको हम एंड टू एंड ओवरलैप भी कहते हैं, एंड टू एंड
ये एंड टू एंड ओवरलैप, अगर ये टर्म्स आपने कहीं देखी है, हेड ऑन ओवरलैप या एंड टू एंड ओवरलैप, इट मीन्स एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्मड बाय एंड टू एंड ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सीज. दूसरे तरीके से सपोज हमने एक दोनों पी बनाए थे, कभी एक एस हो सकता है. सपोज ये एटम ए है, दिस इज एटम बी, और बी वाले एटम ने दिया है पी ऑर्बिटल, और ए वाले एटम ने सपोज हम इसको डिफरेंट कलर से बना एस ऑर्बिटल दिया है. सो यहाँ पे जो ये ओवरलैप हो गया, ये बी क्या है, सिग्मा बॉन्ड. एस ऑर्बिटल जब भी इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इट विल बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. तो आगे बढ़ेंगे हम दूसरे टाइप पे, पाई बॉन्ड. बिफोर टेकिंग पाई बॉन्ड हम देखेंगे सम सिग्मा बॉन्ड्स. यू राइट डाउन एस एस ओवरलैप मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल एस ओवरलैप. सो सिग्मा बॉन्ड यू राइट डाउन, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय फॉलोइंग ओवरलैप, जो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है, लेकिन उसी को हम रिपीट करेंगे. एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल यहाँ पे है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सीज है, इसी के थ्रू वो आएंगे एक दूसरे के क्लोज, और यहाँ पे जो ये ओवरलैप होगा, दिस विल बी सिग्मा ओवरलैप. एस एस ऑर्बिटल जब भी मिलेंगे आपस में, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, ये चीज याद रखना चाहिए. दूसरा लीजिए एस पी, एक एस और एक पी, दे विल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म सिचुएशन लाइक दिस. ये वाला जो हमने ओवरलैप देखा है, दिस अगेन सिग्मा ओवरलैप, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सीज जो है इसी के साइड में, इसी के थ्रू आ जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, ओवरलैप इस तरह से हो जाता है. पी ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, और वो पाई भी बना सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे. पी पी ओवरलैप आप लिखेंगे, पी पी ओवरलैप से कैसे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बात है. ये एटम ए है, ये इसका पी ऑर्बिटल है, ये एटम बी है, ये इसका पी ऑर्बिटल है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सीज है, वो एक दूसरे के करीब आएंगे. ये वाला ओवरलैप जो यहाँ बनेगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, लेकिन बना किसे है, पी पी से बना है. सो एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप और पी पी ओवरलैप, तीनों से हमने देखा कैसे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है. यू राइट डाउन नेक्स्ट क्लास इज पाई बॉन्ड, क्लास बी इज पाई बॉन्ड. देखो भाई, ये दो एटम्स हैं ए एंड बी, ये इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सीज है. दूसरा तरीका क्या है बॉन्ड बनाने का, कभी कभी ऑर्बिटल्स आते हैं इस डायरेक्शन में, या इसका ऑर्बिटल, सपोज बी का ऑर्बिटल यहाँ होता है और इसका ऑर्बिटल यहाँ पे होता है. अगर आप ऑर्बिटल एक्सीज देखेंगे, इट्स लाइक दिस, इस ऑर्बिटल की एक्सीज. इसी तरह से ए का ऑर्बिटल देखेंगे, इट्स लाइक दिस. तो यहाँ पे आप ऑर्बिटल की एक्सीज अगर देखेंगे, ऑर्बिटल एक्सीज, इट इज परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सीज. लेकिन पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये ऑर्बिटल की एक्सीज थी, ये दूसरे ऑर्बिटल की एक्सीज थी, लेकिन यही एक्सीज इंटर न्यूक्लियर एक्सीज भी थी. यानी जब एक्सीज ऑफ ऑर्बिटल्स वायर कोइंसिडेंट, यानी वो बिल्कुल कोइंसाइड होते थे किससे, इंटर न्यूक्लियर एक्सीज से, वहाँ पे जो बाण बना था वो क्या था, सिग्मा बाण. लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ऑर्बिटल्स है इनकी एक्सीज, सपोज ये हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे और इंटर न्यूक्लियर एक्सीज को रेड से दिखाएंगे. अब अगर ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है, दिस विल नॉट बी अलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर, यानी ऑर्बिटल्स की एक्सीज जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सीज. द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस काइंड ऑफ ओवरलैप वी कॉल दैट बॉन्ड एज पाई बॉन्ड. ऐसे एक बॉन्ड को हम क्या बताते हैं, पाई बॉन्ड. तो यू राइट डाउन द एक्सीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर the axes of atomic orbitals, AOs.
इज पैरेलल टू ईच अदर, इज पैरेलल टू ईच अदर, इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल थी उनकी एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो बनाएंगे हम यहाँ पे एक बॉन्ड, प्लस करेंगे इसको, ये इस ऑर्बिटल की एक्सिस है, इसकी एक्सिस, ये दो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसको ये परपेंडिकुलर पड़े हैं। तो वहां पे जो बॉन्ड हम बनाएंगे इट विल बी लाइक दिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने बनाई है, और ये यहाँ पे जो ओवरलैप हम बनाएंगे डॉट करके सॉलिड इसको बनाएंगे, दिस इज ए पाई बॉन्ड, दिस इज ए पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आर फॉर्मड। इसको हम आगे देखेंगे, जब हम आगे दिखाएंगे, दिस बॉन्ड विल बी शोन एज लाइक दिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ से ऊपर एक ओवरलैप हो गया है थोड़ा सा, और नीचे से भी एक ओवरलैप हो गया है, ये दो डिफरेंट बॉन्ड्स नहीं, ये बॉन्ड एक ही है, पाई बॉन्ड के दो ओवरलैप्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड के कितने ओवरलैप्स होते हैं, दो ओवरलैप्स, सिग्मा बॉन्ड का एक ही ओवरलैप होता है और वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, स्ट्रेंथ हम हमेशा याद रखेंगे, सिग्मा इज ऑलवेज मोर स्ट्रांग देन पाई बॉन्ड, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो हेड ऑन ओवरलैप होता है, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप होता है, सिग्मा में ओवरलैप जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, इट्स मैक्सिमम ओवरलैप, इफेक्टिव ओवरलैप इसको कहेंगे, लेकिन साइडवेज में ऑर्बिटल्स अब एक दूसरे से अच्छी तरह मिंगल नहीं होते, यानी ओवरलैप इनका जो है इट्स वीक ओवरलैप, वीक ओवरलैप मीन्स वीक बॉन्ड, जितना ओवरलैप स्ट्रांग उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट थिंग हम क्या याद रखेंगे इसमें, अगर हम कभी भी एक मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सी सी डबल बॉन्ड और सी सी ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड होंगे वो पाई होंगे, दैट मीन्स इस बॉन्ड में एक सिग्मा होगा प्लस एक पाई, अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, एक सिग्मा, सिग्मा एक ही होगा, प्लस टू पाई। सो व्हेन एवर वी सी अ मल्टीपल बॉन्ड इट विल ऑलवेज बी हैविंग वन सिग्मा बॉन्ड, उसी के बाद जब बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, पाई। अगर कहीं पे भी एक बॉन्ड हमने देखा, इफ इट्स ऑनली सिंगल बॉन्ड सी सी, दिस इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो उसके आगे हम बढ़ेंगे, इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा कंसेप्ट लेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन, यू राइट डाउन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का एक मामला, एक चीज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, यहाँ पे भी समझ लीजिए बिल्कुल वैसा ही कुछ है, हाइब्रिड, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं वहाँ पे जो बनाते हैं एक हाइब्रिड चीज, हम उसको कहते हैं। दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाई पॉलिंग, ये पॉलिंग ने ये दिया था, चूंकि कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, पॉलिंग वॉज द वन हु एक्सटेंडेड, जिसने इसको और डेवलप किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ये कंसेप्ट क्यों दिया गया था, इट वॉज टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मालिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मालिक्यूल्स, यानी हाइब्रिडाइजेशन हम क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हम मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड की इक्विवेलेंस वगैरह, लाइक मीथेन, वाटर, सो मेनी मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। वी नो दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, इसलिए अगर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बॉन्ड्स बनेंगे उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। इसी मीथेन की बात कर लेते हैं, CH4 कार्बन, जब ये चार बॉन्ड्स बनाएंगे बनाएगा इसमें P भी इन्वॉल्व होगा और S भी इन्वॉल्व होगा, अब इनकी जो है हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इनकी एनर्जी डिफरेंट है, जो S से बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी एक होनी चाहिए, और जो P का बॉन्ड बने, P से बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ये चारों के चारों बॉन्ड्स जो है दीज आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, या इक्विवेलेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट,
ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास आया है, दैट एक्सप्लेन दिस इक्वलेंस ऑफ बाउंड्स, कि बाउंड सारे के सारे इक्वलेंट हैं। और इसके साथ साथ ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। पॉलिंग सजेस्ट दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विद ईच अदर। पॉलिंग ने क्या सजेस्ट किया, ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दीज इंटरमिक्स, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। उसके बाद वो मिक्स होने के बाद क्या करता है, रिडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, यानी एनर्जी की रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर किसी की ज़्यादा है वो कम वाले को देता है, इससे क्या होता है, अब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। अब ये जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे कौन से, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन एक दूसरे के साथ कंबाइन है, हम कहेंगे मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वहाँ पे जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना है देज आर आइडेंटिकल एनर्जी, उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। दैट मीन्स ऐसे समझाएंगे कोई एस एटॉमिक ऑर्बिटल आया, वो पी के साथ मिक्स हो गया, वहाँ पे उन्होंने जो ऑर्बिटल दो, इसकी एनर्जी एक है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसको मैंने तीन लाइनों से दिखाया, इसको दो लाइनों से दिखाया। अब एनर्जी एज एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट, जब वो मिक्स हो जाएंगे वहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। तो वहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है एच ओ और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनकी शेप भी सेम होगी। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आप देखेंगे इसका एक लोब बड़ा होता है, हम दिखाते हैं ऐसे ही इसी को, और एक लोब छोटा होता है। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज यूज दिस बिगर लोब फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, एज अ रिजल्ट इट्स बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन द बॉन्ड फॉर्मड बाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि जितना बड़ा लोब मीनस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसने सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड में कर ली है। यानी अगर 10 रुपये को दो स्टूडेंट्स में बांटेंगे तो पांच पांच हिस्से में आ जाएगा, अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक को आठ दूसरे को दो तो एक को ज़्यादा मिलेगा, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा काम कर सकता है उस पैसे से। यही बात यहाँ पे भी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक ही साइड हो जाता है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पे। इनकी शेप वगैरह क्या होगी या किस तरह डिज़ाइन होंगे, किस तरह ओरियंट होंगे, वो हम आगे देखेंगे। हम क्या बताते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जिनको हमने एक एस और एक पी से कंबाइन किया है, वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बने हैं दो ही बनेंगे, तो उनकी शेप भी आइडेंटिकल होगी और इनकी एनर्जी भी आइडेंटिकल होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यू विल नो डाउन आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है, इट इज एक्चुअली इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी resulting in the formation of new set of orbitals, resulting in the formation of new set of orbitals. एक new set of orbitals बन जाता है which are equivalent in energy and shape, which are equivalent in, साथ साथ लिखिए, in energy, E for energy and shape. So this phenomenon of hybridization, we define it as, it is defined as the process of intermixing of orbitals of slightly different energy, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape. This phenomenon is called as hybridization. उसके बाद हम लिखेंगे सेलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स लिखेंगे, सेलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर फर्स्ट ऑफ फीचर लिखेंगे, द मेन फीचर्स हम लिखेंगे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। Number of hybrid orbitals, N O, number of hybrid orbitals is equal to
नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल फॉर्म टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल फॉर्म थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेकंड, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं एच ओज, दीज आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, जितने भी बनेंगे, दो बनेंगे, चार बनेंगे, छः बनेंगे, इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्विवेलेंट, और इनकी शेप भी होगी सेम। जैसे एस की अलग, पी की अलग, डी की अलग शेप होती है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, सेम होती है हर एक की, जो मैंने अभी दिखाई पिछली वाली स्लाइड में। थर्ड, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यू राइट डाउन, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स से अगर हम कंपेयर करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड। इसका रीजन भी मैंने समझाया लास्ट स्लाइड में क्या रीजन होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्ट इन शेप इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शंस, क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं, दीज आर पोजिशनड इन अ वे सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह से एक दूसरे के मतलब रिलेटिव ओरिएंट होते हैं ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री पे। यही सूरत होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ये भी इसी तरह से क्या करते हैं, दीज आर डायरेक्ट इन स्पेस, इस तरह से स्पेस में डायरेक्ट होते हैं, सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन। तो इससे क्या होता है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में कुछ खास खास डायरेक्शंस में जाते हैं। यानी अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सपोज बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे विल फॉर्म टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो वो क्या होंगे, वो इस तरह से रहेंगे, 180 डिग्री एक दूसरे के दूर रहेंगे। अब ये अगर बॉन्ड बनाएंगे, एक यहाँ से बी आएगा, यहाँ से बी आएगा, यहाँ पे ए रहेगा, तो एक लीनियर सा मॉलिक्यूल बनेगा। ये ऑलरेडी हम सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। इसी तरह से अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो उनको तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मान के चलेंगे आप, तो वो कैसे जाएंगे, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने देखा था वेस्पर में, तो वो एक ट्राइंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर सा बनाएंगे जिसमें 120 डिग्री का एंगल होगा। यही सूरत होगी अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल से रिप्लेस करना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो वेस्पर जैसी ही होंगे। नेक्स्ट यू राइट डाउन इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन हर एक ऑर्बिटल में होगी, जितने भी ऑर्बिटल जिसकी मर्जी होगी वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, वही हम इसमें सीखेंगे। कंडीशंस यानी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, यानी अगर दो ऑर्बिटल्स चाहते हैं कि हम हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो क्या कंडीशंस इनको फुलफिल करनी है। नंबर फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्बिटल उन्हीं ऑर्बिटल्स में होती है जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होंगे। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन वैलेंस ऑर्बिटल्स। अगर बीच में कुछ ऑर्बिटल्स मिक्स करना चाहेंगे वो तो बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे पहले, तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स में होगी जो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब बॉन्ड बनाने की जरूरत होगी। इफ देयर इज नो नीड टू फॉर्म बॉन्ड देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन एट ऑल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उस हालत में होगी जब क्या होगा, बॉन्ड बनाना होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही, वैलेंस ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन भी उन्हीं में होती है। नेक्स्ट, ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, जो भी चाहता है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, दे मस्ट हैव ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस तो होगा उनमें, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती है। देन हाइब्रिडाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस इफ देयर इज
लार्ज एनर्जी डिफरेंस, यानी दो डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के ऑर्बिटल्स को अगर हम मैच करेंगे तो मुश्किल है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। ये चीज़ आपको समझ यहाँ पे नहीं आएगी, ये एक्सप्लेन आगे हो जाएगी जब हम मीथेन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं समझाऊंगा। सपोज एस में दो इलेक्ट्रॉन्स है, पी में दो है, सपोज कर लीजिए। अब पहले यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाएगा इस तरह से। दिस कॉल्ड प्रमोशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एस से कहाँ गया, पी में। यहाँ पे हमने लिखा कि ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये वाले ऑर्बिटल्स एक एस और तीन आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे ही हो सकती इस कंडीशन में, जहाँ पे एक पी खाली है और एस क्या है, फुल है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाइब्रिडाइजेशन हर एक ऑर्बिटल में हो सकती है। हर एक ऑर्बिटल मीन्स हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो, लेकिन एनर्जी डिफरेंस वगैरह जो कंडीशन है वो अप्लाई होंगी बोथ हाफ फिल्ड, अगर कोई हाफ फिल्ड है या कोई कंप्लीटली फिल्ड है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जो हमने आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, ये चीज़ हम जहन में रख के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे टाइप्स, तो दैट उस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से हम देखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेस्पर ने इलेक्ट्रॉन पेयर की, दैट वेस्पर थ्योरी हैज़ एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फॉर टुडे इट्स एनफ, इंशाल्लाह लेट्स मीट इन टुमारोज़ क्लास। टेक केयर, बाय।